जराट पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः हस्तमणि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, तीर्थराज सम्मेलन शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहां उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं का, जो कि पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सभी का मैं गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व अपन चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रतिदिन की भांति नमोस्तु निवेदित करते हुए, मंगल आशीर्वाद की कामना करते हुए। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित ही है कि गुणायतन के इस परिसर में, जहां गुणायतन का कार्य बड़े ही तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें अनेक लोग जुड़ रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि इस कार्य में आप तन मन धन से सहयोग करके, जिससे कि समय रहते हम इसका कार्य पूर्ण कर सके। और पूज्य आचार्य भगवंत का जो आशीर्वाद हुआ है, पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने जो मनोकल्पना की है, उसे हम साकार रूप में अपनी चर्म चक्षुओं से देख सके। बंधुओं, जिसमें आप अनेक लोग, कोई सदस्य के रूप में जुड़ रहा है, निर्माण सदस्य के रूप में जुड़ रहा है, तो अनेक लोग किसी न किसी रूप से जुड़ रहे हैं। तो आज बंधुओं, सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं, ऐसे निर्माण सारथी से सूत्रधार जो बने हैं, श्री राजमल जी जैन, श्रीमती राजमती जैन, मुंबई महाराष्ट्र से जोरदार कर्तर ध्वनि से बंधु हम इनका अभिनंदन करते हैं। आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो दान दे रहे हैं हम उनका क्या सम्मान करें, ये दो हाथ की तालियां ही तो हैं। तालियां बजा करके हम उनका अभिनंदन करते जाएं और निश्चित रूप से उनके दान में आप स्वयं सहभागी बन जाएं। बंधुओं, निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से जोड़ा है, ऐसे श्रीमती सविता जी जैन, धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार जी जैन, सरधना मेरठ उत्तर प्रदेश से, पुनः तालियां बजा करके हम इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, जहां ना कि सिर्फ जिनालय के निर्माण में, गुणायतन के निर्माण में, अपितु लोग जीव दया के क्षेत्र में भी आगे आ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का ऐसा वरद हस्त आशीर्वाद हुआ कि पूज्य गुरुदेव ने जो भावना भाई थी जगह जगह गौशालाओं की, वो साकार हो रही है। उन्होंने साकार रूप से चलाने में जिनका बहुमूल्य योगदान और आशीर्वाद है, ऐसे पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान है। तो बंधुओं, गौशाला के लिए 20,000 रुपए की राशि जिन्होंने समर्पित की है, श्रीमती शांति दी जैन फरीदाबाद हरियाणा से, जोरदार तालियां बजा के हम उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज एक ऐसा परिवार यहां पर उपस्थित है, ऐसा शख्स यहां पर उपस्थित है बंधुओं, जबलपुर संभाग में जिनका नाम था, लोग जानते थे, ऐसे माननीय हमारे स्वर्गीय श्री नरेश सिंह जी गढ़ावाल, जिन्हें कौन नहीं जानता। मैं निवेदन करता हूं आज उनके सुपुत्र भैया युवराज जी गढ़ावाल, धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री जी गढ़ावाल यहां पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूं एक बार मंच के ऊपर आए अपने पुत्र सुधांशु के साथ। यह गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन कर रहा है, मैं निवेदन करता हूं एक बार जल्दी आ जाए मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज देता हूं। बंधु, हमारे बीच में विजय जी, साधना जी दिल्ली से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, और साथ ही मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे गुणायतन के मंत्री माननीय चंद्रकला जी पाटनी आए और इनका अभिनंदन करेंगी, जिन्होंने जिनकी कल 32वीं वैवाहिक वर्षगांठ में आज ही मन मना लिया कि कल की प्रथम शांति धारा तो हम ही करेंगे महाराज श्री आपके चरणों में, ऐसा मंगल भाव भा करके हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज भी शांति धारा की और कल की प्रथम शांति धारा जिनके करकमलों से होनी है, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद पा करके हमारा गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। पुनः जोरदार तालियां बजा के हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। चलिए बंधुओं, और प्रथम प्रश्न के रूप में मैं यहां पर आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में अहमदाबाद से भाई आशीष जी यहां उपस्थित हैं, आए और प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर आएंगे और इसी के बाद तैयार रहेंगे, मैं निवेदन करूंगा। प्रियांशु जी जैन छिंदवाड़ा से हमारे बीच में हैं, तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये जो शंका है वो मेरे पिताजी की है, वो पूछ रहे हैं महाराज जी, हम नित्य दिन अभिषेक पूजा पाठ जाप करते हैं पर मन एकाग्रता नहीं रहता है महाराज जी, तो इसमें महाराज जी क्या पुण्य का बंद होगा, कृपा समाधान करें। देखिए, पूजा पाठ जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं, अगर उनमें एकाग्रता और तन्मयता हो तो सोने में सुगंध होता है,
और एकाग्रता के अभाव में हम अगर कोई भी क्रिया करते हैं तो ऊपर ऊपर की चीज़ें होती है, टेप रिकॉर्ड की जरह चीज़ों को चलाने का उतना लाभ नहीं मिलता। इसलिए अभ्यास करके हमें अपनी एकाग्रता और तन्मयता को बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। लीजिएगा, आ रहे हैं प्रियांशु जैन छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अनिमेश जैन गौमिया से। नमोस्तु गुरुदेव, इक्षामि महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल इन्फॉर्मेशन वन क्लिक में गूगल पे अवेलेबल हो जा रही है, तो नॉलेज तो बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन जो विवेक है, विजडम है, वो आज के समय में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो विवेक को, विजडम को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? देखिए, नॉलेज क्या है? कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत ईजी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कोई भी चीज़ को आप गूगल के माध्यम से बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो विजडम हमारे जीवन की एक आंतरिक उपलब्धि है, जो हमारे अंदर का विवेक है, हमारे अंदर की प्रज्ञा है। ये आध्यात्मिकता से प्रकट होती है, संयम से उद्घाटित होता है। अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति जगाओ, निज पर का ज्ञान करो, स्वपर का बोध अपने भीतर जागृत करो, भेद विज्ञान करो, तो फिर जो ज्ञान भीतर से निखरेगा वो हमारे जीवन की चरम और परम उपलब्धि होगी। समझ गए? कबीर दास जी ने बहुत अच्छी बात की कि समझा समझा एक है, बिन समझा सब एक। समझा समझा एक है, बिन समझा सब एक। तिनको समझा जानियो जिनके घट में विवेक। अंदर का विवेक जगता है सत्संग से, स्वाध्याय से, आत्मचिंतन से, अभ्यास से। अगर हम ऐसा अभ्यास अपने हृदय में जगाते हैं तो ये चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हैं। नमस्ते महाराज। आइएगा अनिमेश जी गौमिया, जिनके परिवार का विवेक जगा और छुट्टियों में अपने बेटे को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, अनिमेश गौमिया। और फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट माननीय विजय जी साधना जी दिल्ली। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं सुना हूँ कि पाप और पुण्य सुख दुख देते हैं, तो महाराज श्री, हम हर चीज़ में जब हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है तो हम भगवान को क्यों बोलते हैं? बहुत अच्छा सवाल। हमारे सुख दुख का मूल कारण हमारे अंदर का पुण्य पाप है। फिर भी हमारे साथ जब कभी अच्छा या बुरा होता है हम भगवान को क्यों ले आते हैं? भगवान तो बीतराग है, भगवान तटस्थ है, उनको ना हमारे पुण्य से लेना है ना उन्हें कोई पाप से लेना है। भगवान भगवान है, भगवान को उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी हमारी भक्ति हमसे ऐसा बुलवा लेती है। जिनके प्रति हमारे हृदय में भक्ति होती है उन्हें हम अपना सारा श्रेय देते हैं, कृतज्ञता। ये लोग व्यवहार में ऐसा, तो ये सब आपकी कृपा से, ये आपका दिया हुआ है। समझ गए? जैसे जो आज्ञाकारी सुपुत्र होते हैं वे अपनी सारी उपलब्धियों का श्रेय अपने माता पिता को देते हैं, यद्यपि उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है खुद के बदौलत, पर कहता है माँ बाप की कृपा से। ऐसे ही भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा हृदय में बैठी होती है जिसके कारण लोग व्यवहार में ऐसा कहने में आ जाता है कि ये भगवान की कृपा है, पर यथार्थ भगवान तो केवल हमारे एक आदर्श हैं जिनसे हम प्रेरणा पाते हैं, और भगवान से प्रेरित होकर हम अपने शुभ भावों को जगाकर पुण्य का अर्जन करते हैं। तो हमारे पुण्यार्जन में मूल निमित्त शुभ भाव है, और शुभ भाव को जगाने में निमित्त बनते हैं भगवान और भगवान की प्रेरणा। तो हम वो सारा श्रेय भगवान को दे देते हैं कि ये आपके निमित्त से मिला इसलिए सब आपका है। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। निवेदन कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट माननीय विजय साधना जी दिल्ली, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में गढ़ावाल परिवार से युवराज जी जयश्री जी गढ़ावाल, पुत्र सुधांशु जी गढ़ावाल। नमो
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 मेरे पूरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन में कितना खो गया, जीवन में कितना खो गया, इस पीड़ा को भूलकर आगे आने वाले समय को व्यथा रहित कैसे बनाया जाए, इस विषय में कृपया मार्गदर्शन। जीवन में कितना खो गया, इस पीड़ा को भूलकर आगे वाले समय को व्यथा रहित कैसे बनाए। एक उक्ति को चरितार्थ करो, बीती ताही विचार के आगे की सुध ले। मैं समझता हूँ संक्षेप में उत्तर पूरा हो गया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और लीजिए, निवेदन कर रहा हूँ युवराज जी, जयश्री जी गढ़वाल, पुत्र सुधांशु जी गढ़वाल, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में माननीय सुभाष पूनम जी, सीईओ गुणायतन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, हमारे पूरे गढ़वाल परिवार की ओर से नमोस्तु, जबलपुर जैन समाज की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, अभी आपने बताया कि भगवान के निमित्त से, और अभी इसके पूर्व जो क्वेश्चन हुआ उसी से संदर्भ में मुझे आभास हुआ कि आज मैं जो सम्मानित हुआ हूँ आपके सान्निध्य में, आपके उसमें, तो हम अपने माता पिता के ही कर्मों से सम्मानित हुए। पिता जिन्हें आपका आशीष, पूज्य गुरुदेव का आशीष इतना मिला कि जिसके उनके उससे हम लोग भी चाहते हैं कि उनके जैसे हम भी बने और आगे का अपना जीवन सुधारें। मैं सबसे पहले तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बारंबार बारंबार नमोस्तु करता हूँ कि आज मैं यहाँ सम्मानित हुआ अब अपने पिता के कारण। आगे मैं एक क्वेश्चन, एक भाव रख रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारे जबलपुर जैन समाज में जो प्राचीन बस्तियाँ हैं, जहाँ जैन समाज बहुतायत में है, सराफा, हनुमानताल, कोतवाली, लाडगंज वगैरह, वहाँ जैन परिवार जब थोड़े संपन्न हो जाते हैं तो वो संपन्नता के कारण से अपना वह पुराना घर छोड़ते हैं और कॉलोनियों में दूर चले जाते हैं। तो जहाँ जैन मंदिर के पास में जैन समाज होना चाहिए, धीरे धीरे घटती जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति बुंदेलखंड में और भी कई जगह, सागर, दमोह, खुरई, बीना इत्यादि में भी हो रही होगी। तो क्या हमारे जैन समाज के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए, या जैन ट्रस्ट कमेटियों को विचार करके वहाँ किराएदार के स्वरूप में लोगों को बसाना चाहिए। देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर और चुनौतीपूर्ण विषय को उपस्थित किया। ये समस्या बुंदेलखंड में ही नहीं और छोटे शहरों में ही नहीं, महानगरों में भी है। बदलती हुई जीवन शैली के कारण लोग अब पुराने शहरों की तंग गलियों से हटकर पॉश इलाकों में जाते जा रहे हैं। जैनियों की ये शुरू से परंपरा रही कि वो मंदिर के इर्द गिर्द बसते थे। जितने भी हमारे पुराने शहर हैं ये सब बड़ा सघन बस्ती रहा करती थी और शहर के केंद्र में समाज के मुख्य लोग रहा करते थे, वहीं मंदिर होते। और उस संरचना इसलिए की जाती थी कि कभी आतताई आक्रमणकारी से बचाव भी हो सके। धीरे धीरे बदलाव आया, जीवन शैली में परिवर्तन आया, लोगों के साथ गाड़ी घोड़े जुड़ गए, अब उनकी पार्किंग की सुविधा, आवागमन की सुविधा बहुत दिक्कत देने लगे। तो लोगों ने अपने घरों को छोड़कर नया घर बनाना शुरू किया, अलग अलग कॉलोनियाँ डेवलप होने लगी, वहाँ मंदिर भी बना लिया, रह रहे हैं समूह से। बहुत सारे शहरों में हमने देखा है नई कॉलोनियों में जैनियों का अच्छा समुदाय। लेकिन सबसे गंभीर जो समस्या प्रकट हुई है वो मंदिरों, जो हमारे प्राचीन मंदिर है, उन मंदिरों का खाली हो जाना। वहाँ अब तो कई जगह तो ऐसा, इसमें दिल्ली जैसे महानगर की भी बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पूजा करने वाले नहीं हैं। बहन जी बता दी, कोलकाता का बड़ा मंदिर जिसमें कभी एक समय में 400-500 लोग पूजा करते थे,
सब उठ करके दूर चले गए। चलो इसमें भी मुझे उतनी तकलीफ नहीं, कुछ लोग तो पूजा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो उभर रही है, ये सब जगह की बात, जयपुर का जौहरी बाजार पूरा खाली हो गया, अजमेर का सरावगी मोहल्ला पूरा खाली हो गया, भोपाल का चौक इलाका जैनों से धीरे धीरे खाली हो रहा है, आपके जबलपुर का हनुमान ताल लगभग लगभग खत्म होने लग रहा है, लोग जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन अपना मकान घर जिसको बेच के जा रहे हैं उनसे खतरा है। महाराज जी पूरी बात सुनो, उनसे भयानक खतरा है। हमें तो इस बात की आशंका दिखती, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल उस इलाके में आपको पांव रखने में तकलीफ हो, आपके सारे धर्मायतन असुरक्षित हो जाएंगे। लोग अपने निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर चंद रुपयों के लालच में ऐसा कृत्य कर देते हैं, थोड़ी ज्यादा रकम जिसने दी उसको दे दिया। नहीं, मैं तो आप सबसे कहता हूं, अपना घर मकान भी ऐसे व्यक्ति को दो जो तुम्हारे संस्कृति के अनुकूल जीवन जीता हो, भले 2 रुपया कम हो। जिस किसी को भी दोगे तो उसका अंजाम वहां भयानक हो सकता है, और कई जगह हो रहा है, 10-20 साल के अंतराल में न जाने क्या होगा। इस पर सभी को ध्यान देना चाहिए, और लोग अगर बेचे तो देख के बेचे। और ऐसा ट्रस्टों से भी मैं कहूँगा कि मंदिरों के आसपास की कोई संपत्ति बिकती है और ट्रस्ट समर्थ है तो उसे मंदिर के अंतर्गत रख लें, वहां कुछ अच्छे उपक्रम चलाए, जनहित के कार्य चलाए, समाज हित के उपक्रम चलाए, जिससे हमारे ये धर्मायतन और धरोहर सुरक्षित रहे। प्रयाग ट्रस्ट के लोगों में भी उदासीनता दिखती है, कौन लेगा कौन करेगा, नहीं मूल है। और दूसरी बात, तुम शहर से कहीं भी उठ के क्यों ना चले जाओ, अपने जितने भी घर के मांगलिक कार्य हो या जन्म मरण परण जो भी हो, वो उसी मूल मंदिर में संपन्न करो, ताकि तुम्हारा मूल से जुड़ाव बना रहे। आज भी कई जगह ऐसा होता है, हालांकि अब धीरे धीरे कम होने लगा है, धीरे धीरे कम होने लगा, उसको पुनर्जागृत करना चाहिए, तब हम अपने धरोहरों को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा आने वाला समय घोर अंधकारपूर्ण होगा। ये गांव और महानगर सब में एक सी कहानी है, इस पर विचार करना चाहिए। महाराज जी इसमें एक विषय और है कि ट्रस्ट कमेटी यदि लेती है और वहाँ रहवास के लिए लोगों को मकान बना के देती है, किराए पे देती है, तो बाद ट्रस्ट कमेटी ये बोलती है बाद में यदि वो संपन्न हो गया तो जगह खाली करता है तो उसमें वो पैसा मांगते हैं ट्रस्ट किराएदार, और जल्दी नहीं खाली करते कि दूसरे को मौका मिले, तो कई ट्रस्ट कमेटियाँ पीछे हट रही हैं कि हम लोगों को आवास बना के क्यों दें। बिल्कुल ठीक है, ट्रस्ट कमेटियों का ये दृष्टिकोण अपनी जगह सही है, पर आजकल के समय तो किराए के बहुत सारे नियम कानून बन गए, एग्रीमेंट करके लोग जब अपने निजी संपत्ति को दूसरों को किराए से दे सकते तो ट्रस्ट कमेटियाँ क्यों नहीं दे सकती, सब दिया जा सकता है यदि सही विधि पूर्वक काम हो तो। नमोस्तु महाराज। सुधांशु जी, और फिर उसके बाद मैं निवेदन करूँगा। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जब हम ध्यान करते हैं उस ध्यान अवस्था में एक चरण आता है जब हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं और शांति हो जाती है मन में, उस समय महाराज जी एक इस शून्यावस्था में एक डर का आभास होने लगता है, एक अंदर से एक घबराहट आ होती है जब हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं और उस अवस्था में ऐसा डर का आभास और घबराहट क्यों होती है महाराज जी? देखिए, विचार शून्यता की स्थिति में डर होना, इसका मतलब हम सही दिशा में नहीं, डर नहीं होता, आनंद होता है। यदि आप ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब
आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको चाहिए कि ध्यान की सही प्रक्रिया को अपनाएं और उसका आनंद लें अलग से बैठ के बात। निवेदन कर रहा हूं सुभाष पूनम जी सीईओ ओम आगे बाद में गुणायतन और इसी के बाद में निवेदन करूंगा नीलेश जी बड़जात्या सूरत से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शशर नमन। मंचासीन चुल्लक महाराज जी के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव आजकल खबरें खराब आ रही हैं लव जिहाद को लेकर, पहले भी कई बार चर्चा हो चुकी है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि सभी पढ़ी लिखे संभ्रांत परिवारों की लड़कियां हैं और सब जानती हैं कि ऐसा हो रहा है, मीडिया से भी जुड़ी हैं, खबरों को भी पढ़ती हैं, पुराने केसेस देख रही हैं और फिर भी इसमें कैसे ट्रैप हो जाती हैं, ये क्या मानसिकता है। और उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, वो भी समझते हैं कि ऐसा सब हो रहा है, फिर भी उसके लिए आवश्यक जो भी कार्यवाही है नहीं करते, ऐसा क्या कारण है गुरुदेव? ये बढ़ता ही जा रहा है प्रॉब्लम। देखिए, आपने जो आज बात उठाई है बहुत गंभीर है। पिछले कुछ माहों से तो ये चर्चा बहुत गर्म, आए दिन ऐसी घटनाएं प्रकाश में आ रही है जिसे देखकर लोग सुनकर सिहर रहे, सिहरन से उठ रही। आपने बहुत ही गंभीर बात उपस्थित की है कि प्रायः ऐसा जितना हो रहा है वह सब पढ़े लिखे संभ्रांत परिवार की बेटियों के साथ हो, और इतना सब कुछ देखने और सुनने के उपरांत भी इस पर कोई अंकुश नहीं रख पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिकता की ओट में आजकल लोग इन बातों को गौण करने लगे, उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क बहुत अधिक होने लगा है। और लोग जब सम्मोहित जैसे हो जाते हैं तो उन्हें किसी चीज़ का कोई पता भी नहीं रखता। हमें चाहिए कि हर घर के हर बच्चे को ये अच्छे से कूट कूट करके भर दे कि तुम्हारी धर्म की मर्यादा क्या है, तुम्हारी जाति की मर्यादा क्या है, तुम्हें किससे कितना संपर्क और संबंध रखना है, ताकि इस तरह की घटनाएं किसी के साथ न घटे। क्योंकि जो घटनाएं हैं वो आप केवल लव जिहाद की नहीं, उसमें जो हिंसा और हत्या की बातें सामने आ रही है वो तो अत्यंत क्रूर और निर्ममता की पराकाष्ठा है। ये घोर अमानवीय कार्य है। शासन प्रशासन को भी इसमें पूर्ण तत्परता से काम करना चाहिए और समाज में भी एक अच्छा वातावरण बनना चाहिए। ये सब ज़्यादातर सारे प्रसंग लड़कियों के साथ हो रहे, तो हमें लड़कियों को भी बहुत जागरूक करना होगा, उन्हें इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार करने की ज़रूरत है कि हमारी जीवन की मर्यादा क्या है और हम किसी के झांसे में आने से कैसे बचें। ये बात जब जगाएंगे तभी काम होगा। इस पर लोगों को अंदर एक चेतना जगनी चाहिए। आज सोशल मीडिया और अन्य माध्यम है, उन माध्यमों से अगर घर घर तक ये बातें पहुंचाई जाए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। और माँ बाप को मैं एक सलाह दूंगा, चाहे बेटा हो या बेटी, उनसे बोले कि तुम्हें मोबाइल प्रयोग में लेना है, पासवर्ड मेरे पास होना चाहिए। उनकी निजी जिंदगी में 14, 15, 16 साल की उम्र से आप नजर रखना शुरू कर दीजिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वहीं से आप उनको वाच कीजिए। और यदि गलतियां हैं तो उन्हें समझाना शुरू कीजिए। माँ बाप को पता ही नहीं रहता, अगर कुछ कहे भी तो बच्चे उनसे छिपा देते हैं और सीधा सीधा जवाब भी दे देते हैं, कई जगह माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। लेकिन 13-14 साल की उम्र से अगर इन बातों पर आप ध्यान रखना शुरू करें और उन्हें समय समय पर कुछ मामलों में सावधान करना शुरू कर दें तो ये स्थितियाँ निर्मित नहीं होगी, बच्चे ठीक रहेंगे। आप लोग बिल्कुल फ्री छोड़ देते हो और फिर 2-4 साल जब कोई किसी के निकटता पा जाते हैं तो स्थितियाँ एकदम सिर से ऊपर हो जाती है, फिर उसे नियंत्रित कर पाना असंभव जैसा हो जाता है।
तो उसके लिए एक व्यवस्था सबको करनी चाहिए और उतनी ही लिबर्टी देनी चाहिए जिससे मर्यादा सुरक्षित हो, मर्यादा का खंडन जिनसे हो उसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नीलेश जी बड़जात्या सूरत से, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में अर्चना असित जी बेनाडा कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी एक मन में अभी बैठे बैठे ही आया, मतलब मेरे मन में नहीं था कुछ क्वेश्चन का, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस माध्यम से। एक अपना नॉलेज, नॉलेज इज़ द पावर। अब नॉलेज पावर है तो मैं मंदिर तो अभिषेक रोज करता ही हूँ, बहुत मंदिर जाता हूँ, लेकिन देखता हूँ हर मंदिर में अपने कुछ लोग होते हैं जो मतलब अपना एक अलग तरीका से कुछ भी करते रहते हैं। तो इसके लिए क्यों ना महाराज जी, बिकॉज नॉलेज यहाँ पर गैप है भाई, हमको लगता है ये सही है, उनको लगता है ये सही है, उनको लगता है विधियों में ही, चाहे कोई भी पूजा पाठ या अभिषेक की विधि हो या मंदिर के दर्शन हो, उसके लिए क्यों ना एक पावर सेंट्रल स्टेशन से, एक पावर से एक मैसेज, एक वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे GIFs के माध्यम से, छोटे छोटे शॉर्ट रील्स के माध्यम से, ये ऑथेंटिक है और ये मैसेज को अपने कन्वर्ट करें, तो उससे महाराज जी नॉलेज बढ़ेगा बच्चों में। दूसरा एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, मैं कहीं पे भी क्षेत्र में निकलता हूँ महाराज जी, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एज बीइंग अ यंगस्टर बोलो या टेक सेवी बोलो, मैं निकलता हूँ तो वहाँ मंदिर देखता हूँ, तो मंदिर ढूंढता हूँ मैं, बिटवीन द वे आई फाइंड आउट कि भाई कहाँ टेम्पल्स हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ 50%, 70%, 80%, 90% एक्यूरेसी नहीं है मंदिर की, मतलब मंदिर कहीं और बता रहा है और वो लोकेशन कहीं है, तो मैं वहाँ से निकला हूँ तो भी मेरे दर्शन नहीं हुए, तो मैंने ऐसे करेक्ट चालू किया था, मतलब कोविड के बाद मैंने इसकी करेक्शन चालू की। सिर्फ एक एग्जांपल महाराज जी मैं बताऊँगा कि उस एग्जांपल में हमने जब मंदिर को करेक्ट किया लोकेशन को, उसके 55,000 व्यूज़ चेंज हुए और लोगों के कॉमेंट्स आए, सिर्फ एक मंदिर का करेक्शन किया तो, बिकॉज वहाँ से कितने हजारों लाखों लोग निकल रहे हैं। तो ये दो सेगमेंट ऐसे हैं जिसमें युवा पीढ़ी बहुत कुछ कर सकता है, और युवा पीढ़ी को यह टास्क भी अगर मिलता है तो वो टास्क अच्छे से लेगी, क्योंकि वो टैक्स सेवी होती है, चाहे लोकेशन को लेके या वीडियोस को लेके, तो अच्छी चीज़ अगर शेयर होगी ना तो नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो अपने धर्म में एकता बढ़ेगी। और एक बहुत बड़ा सम्मेलन शिखर का इवेंट हुआ था जिसमें मैंने ही चला के एक ट्रेंड बनाया जेंट्स वर्ल्ड वाइड, अपना अभी तक कोई भी पोर्टल पर महाराज जी 30,000 से ज़्यादा कोई भी पोर्टल पर फॉलोअर, कोई भी स्क्रिप्ट के फॉलोअर्स नहीं है, जबकि अपने फॉलोअर्स लाखों में होने चाहिए, कोई भी एक इवेंट, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक कॉमन बैकग्राउंड में। तो वही मैंने अपनी बात रखी, उसका आंसर क्या है मुझे मालूम नहीं, पर मैंने देखिए आपने बहुत ही अच्छा प्रस्ताव और सुझाव दोनों रखा है। पहला जो आपका प्रस्ताव है बहुत ही अनुकरणीय है, हमें अपने रिचुअल्स के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जिस तरीके से आपने कहा उस तरीके से वो बातें पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। यद्यपि हम लोग रोज़ अपने प्रवचनों या शंका समाधान या अन्य माध्यमों से यही बात करते हैं, लोगों को विधि विधान का सही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारे साथ विडम्बना ये है कि इन छोटी छोटी बातों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत है, और अगर हम किसी एक विधि को फॉलो करने की बात करते हैं तो कोई दूसरा कह देता है। जितने साधु और जितने त्यागी उतने विधि हैं, आप करोगे क्या? मैं कुछ कहूँगा, कोई दूसरे महाराज आ गए तो कुछ और कहेंगे, तीसरे आ गए तो कुछ और कहेंगे, फिर कोई विद्वान आ गया तो कुछ और कहे, तो ये बड़ा टेढ़ा काम, समझ गए? तो इसके लिए मैं एक सुझाव देना चाहता, तुम जिस विधि से करते आ रहे हो करो, भाव के साथ करो, और दूसरा यदि कर रहा है उसको नज़रअंदाज करो, तुम्हें लगता है कि विधि ठीक नहीं है तो उस समय तो कम से कम बिल्कुल संयम रखो, क्योंकि हमने बहुत मूल्यवान समय निकाल करके ये काम किया है, तो उस समय एकदम तटस्थ हो जाओ, उनके लिए कुछ मत बोलो। हाँ, यदि वो व्यक्ति कुछ समझने की मानसिकता रखता है तो पूजा पाठ संपन्न कर लेने के बाद अकेले में बुला करके उनसे कहें कि भाई साहब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा करते हैं,
और आपके मंदिर में आने से मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं देखता हूँ आपका उत्साह बहुत है, लगन भी अच्छी है, पर मैंने एक दो चीज़ें देखी जो अगर उसे सुधार ले तो हम सबके लिए इंस्पायर करेगा। इस लहजे में बोलिए, वो आपकी बात को मानने को बाध्य होगा। ऐ आप आते हो, आप पहले पूजा की विधि तो सीख लीजिए फिर पूजा किए, आपको अभिषेक की विधि नहीं आता, आप हमसे मिलिएगा मैं बता दूंगा। तो कहेगा हमको ज्ञान झाड़ रहा है। गुदगुदा के बात सिखाओ, लोगों में परिवर्तन आएगा। आपने जो माध्यम बताया उस माध्यम से बहुत अच्छे से विधियों को बताया जा सकता है। लेकिन मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें एक विधि बना ही नहीं सकते। ये विधि करे, जैनियों के साथ बड़ी समस्या है और इसमें हम साधु लोग भी जिम्मेदार हैं। मैंने पहले ही कहा जितने त्यागी और जितने विद्वान उतनी विधि। तो फिर क्या करो, तुम जिसको फॉलो करते हो उसके हिसाब से चलो, उसमें दिमाग मत लगा। और कोई दूसरा कहे मेरे जैसा साधु भी कहे तो कहे महाराज आप से ही, आपके बात ही से ही, आप तो हमें इतना आशीर्वाद दो कि हम धर्म ध्यान करते रहें, जैसे कर रहे हैं करने दो, उलझिए मत। उलझेंगे तो बहुत गड़बड़ होगा। तो ये तो आपके जो बात आई, आपने प्रस्ताव रखा उसकी बात। अब दूसरा जो सुझाव है आपका, प्रस्ताव है जो दूसरा, ये तो सुझाव था, दूसरा जो प्रस्ताव है बहुत ही अनुकरणीय है। हमें अपने मंदिरों की लोकेशन को बिल्कुल ठीक करना चाहिए। कोविड के टाइम में, कोविड के पहले 2018-19 में हमने जैन जनगणना जागरूकता अभियान की शुरुआत की थी। ऑर्गेनाइजर ने ये जिम्मेदारी प्रदीप सिंह जी काशलीवाल को इंदौर में दिया था। उस समय 30,000 मंदिरों उपासकों का डाटा बैंक तैयार हुआ था। दुर्भाग्य से जिस व्यक्ति ने इस काम को शुरू किया था वो कोविड में नहीं रहा और वो डाटा भी लैप्स हो गया, कहाँ है अभी पता नहीं। लेकिन ये पहल फिर किया जा सकता है, युवा वर्ग अगर ऐसा करे तो हम अपने सारे मंदिरों के डाटा को कनेक्ट करें और गूगल आदि में जहाँ जिसको उसके लोकेशन को रजिस्टर्ड करना है रजिस्टर्ड कराएं। ये काम होगा तो होगा, पर उस दिन बहुत आसान हो जाएगा जब पूरे देश के लोगों में एक कैंपेन चलाया जाए कि हम अपने मंदिर और धर्म स्थलों को रजिस्टर्ड कराएं। जब एक चाय की दुकान रजिस्टर्ड हो सकती है तो हम अपने मंदिर और धर्मायतनों को क्यों नहीं कर सकते। आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं युवाओं से कहता हूँ इस क्षेत्र में आगे आए। आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ जहाँ आपकी जानकारी में कोई धर्म स्थल है उसकी जानकारी आप अपलोड कीजिए, अधिकतम प्रौढ़ और प्रमाणिक जानकारी, ताकि जो बात आपने की है वो पूरी हो सके, लोग लाभान्वित हो सके। कई जगह लोगों को दिक्कत होती है, ये बातें विकसित करी जाए तो बहुत अच्छा है। टेक्नोलॉजी के इस युग में बड़ा आसान है, किया जा सकता है। अर्चना जी, इसमें मैं तन मन धन से, मैं अगर कोई कार्य देखो करना नहीं है, इसके लिए प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। जितने लोग सुन रहे हैं माहौल बनाना शुरू कीजिए, कैंपेन शुरू कीजिए और अपने अपने स्तर पर चीज़ों को अपलोड करना शुरू कर दीजिए। जब सारी सामग्री इकट्ठी होगी तो चीज़ें अपने आप आ जाएगी। अर्चना आसित जी बेनाडा और कोलकाता से इसी के बाद तैयार रहेंगे शोभेंद्र जैन ललितपुर से। नमोस्तु महाराज जी, सब चुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छामि। ओम। महाराज जी, मैं घमंड करती हूँ ये मुझे मालूम नहीं, मैं घमंड करती हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया कि कोई भी बात अगर हम बोलते हैं कि मैं ये काम अच्छी करती हूँ अच्छे से या बोलती हूँ तो ये घमंड है। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये घमंड है। आपने एक बार बताया किसी को नीचा दिखाना ही घमंड होता है, तो महाराज जी घमंड क्या होता है, इसकी इससे हम कैसे बचें, हम घमंड को कैसे अपने से अलग करें, और ये क्या कसाय में आता है, मान कसाय में? देखिए घमंड अभिमान क्या है,
हमारे साथ की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग इसे जाने ही नहीं पाते कि घमंड क्या है, और घमंड में जीते हैं पर उसे ही अपना गौरव मान लेते हैं। अपने आप को कुछ भी विशिष्ट मानना घमंड या अभिमान है। उसके कई रूप हैं, तो अपने आप को ऊंचा मानना घमंड की पर्याय है, अपने आप को ऊंचा मानने के साथ किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना ये भी घमंड है, औरों का अपमान करना ये भी मेरा अभिमान है, और खुद को अपमानित महसूस करना ये भी मेरा अभिमान है। किसी को ऊंचा मानना ये भी, किसी को अपने आप को ऊंचा मानना ये तो अभिमान है ही, खुद के अंदर हीन भावना आना भी अभिमान है। हीन भावना भी अभिमान है, क्योंकि मैं अपने स्वरूप से विमुख होकर मैं सुखी दुखी में रंग राव मेरे गह गोधन प्रभाव मेरे सुतती मैं सबल दीन बेरूप सुबग मूरख प्रवीण। ये सब हमारे अहंकार की ही परिणतियाँ हैं, जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। तत्व ज्ञान के बल पर ही व्यक्ति स्वरूप का बोध करता है, और स्वरूप बोध से अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। शुभेंद्र जैन ललितपुर से। फिर मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में प्रति परिवार से श्रीमती सुलोचना जी कल्याणमल जी झांझरी। नमोस्तु गुरुवर। शबी छुलक महाराज जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि शुद्धि शोला और शोधन कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि चौके में हो चाहे वस्त्र बदलते समय हो, उसी से चेंज किया और उसी से बोलते वो तो सोला में टंगा था इसलिए हमने कर लिया, और उनसे बोलो कि भैया ये गलत है तो बोलते तुम अपना करो छोटे हो। तो महाराज जी, छोटों की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव हम बोलते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता कि तुम रोक टोक करते हो, तुम छोटे हो, तुम हमें मत सिखाओ, तो ये कहाँ तक उचित है गुरुदेव? देखिए, शुद्धि का अच्छे से पालन करना चाहिए, जो हमारी शुद्धि की व्यवस्था है उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। आप मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि बोलते हो और वो खुद नहीं अपनाओ तो आप झूठ बोल रहे हो, और झूठ बोलकर पुण्य करने वाले का पुण्य भी झूठा होगा। इसे सही तरीके से बात बोले, सही बात बोलने की कोशिश करें, पहली बात तो ये। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें हमारी गलती का एहसास कराता है तो हमें उसे स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, मान लेना। पर गुरुदेव, हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि तुम हमारे पीछे हो, तुम्हें और कुछ नहीं दिखता, ये सब क्या समझाने। एक नीति है, सिख ताही को दीजिए जाको सुख स्वाहा। लेकिन ऐसे व्यक्ति यदि खासकर आहारचर्या आदि में व्यवधान कर रहे हैं और वो एंट्री कर रहे हैं तो जोर से बोल दो कि महाराज ये घुस रहे हैं लेकिन इनकी शुद्धि नहीं है। तो एक दिन करोगे दूसरे दिन राइट हो जाएंगे। एक बार मैं ऐसा कर चुका गुरुदेव, मैंने कर दिया था तो फिर हमें महाराज जी ने बाद में बोला था कि तुम ये चीज हमें कमरे में भी बोल सकते थे, पर मैंने बोला कि गुरुदेव हमने तो उनको नीचे ही बोल दिया था कि चलो बाद में बात करेंगे। श्रीमती सुलोचना जी कल्याणमल जी झांझरी, और इसी के बाद में निवेदन करूंगा हमारे बीच में गुणायतन मंत्री चंद्रकला जी पाटनी, फिर हम सीधे मंच पर चलेंगे पूज्य शुल्लक जी के चरणों में। बोलो जल्दी। अच्छा, कल्याण जी झांझरी का आप भी बोलो। महाराज जी दोनों का अलग इधर। महाराज जी, आपके दर्शन करने मात्र से कोई शंका तो दूर, मतलब कोई शंका है ही नहीं। और शंका मैं क्या करूं, कोई शंका मेरे मन में है ही नहीं। लेकिन मैं इसलिए आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो गढ़वाल जी ने जो अपना दर्द कहा है मंदिरों के लिए, तो मैं अपनी बात कह रहा हूं। जैसे मैं कलकत्ता में बड़ा बाजार में रहता था, तो मैं जहाँ रहता था वह तीनों तरफ तीन मंदिर, तीनों हम लोग तीन मंदिर में दर्शन करने जाते थे, पूजा करने जाते थे, स्वाध्याय भी करते थे, और लोग दूर दूर जाने लग गए उस समय। कॉलोनिया में बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बसने लग गई, सब जाने लग गए। लेकिन पूज्य मेरी माता जी ने कहा कि नहीं, अपने को यहीं रहना है, कहीं नहीं जाना है, मंदिर छूट जाएगा। तो
तो मेरा पुण्य समझ लीजिए कि मैं माँ की बात मान करके वहीं रहा, कहीं भी नहीं गया। एक जगह मैंने साउथ इंडिया में ले भी ली, ले करके मैंने छोड़ दी। उसके कारण मेरे को यह हमको पुण्य मिला कि परम पूज्य प्रमाण सागर जी का आहार कम से कम 3-4 बार हो चुका उस मकान में, हमारे मकान में। और जितने भी विद्वान आते थे, जितने भी त्यागी व्रती है मेरे संबंध में, चाहे भट्टारक जी हो, कोई भी नहीं छूटा। और आचार्य श्री का भी प्रथम प्रवेश में मेरे यहाँ आहार हुआ है। बिल्कुल, ज्यादा क्या कहूँ। मंदिर पास में ही रखना चाहिए, अब रहे हैं, मंदिर तो पहले देखना ही चाहिए। बिल्कुल, ये निवेदन कर रहा हूँ। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री, पहले सुलोचना जी बोलेंगे, बोलो। हेलो हेलो, नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। पहले बात तो गढ़वाल जी ने बोल दी, दूसरी बात अभी सुभाष भाई साहब ने बोल दी, लेकिन उनके बारे में बता रही हूँ कि अभी भावना आयोग में महाराज जी ने बहुत प्रयास किया था, जो जिहाद का, जो मतलब बच्चों को महाराज जी ने शिक्षा दी और क्लास चलाई, बच्चों के लिए स्पेशल क्लास चलाई थी। तो अपने को बच्चों को लाना चाहिए महाराज जी के पास में, और अच्छे से जो उनकी शिक्षा मिले, गुरु से जो शिक्षा मिलेगी, माँ बाप की नहीं सुनेंगे बच्चे, लेकिन गुरु की शिक्षा जरूर सुनेंगे। तो अपने को वो कार्य बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी के पास जोड़ना चाहिए। तीसरी बात, अभी जो लास्ट वाले भैया ने बताया मेरा इतिहास, आज हम खोजें मेरा इतिहास कहाँ है, न हमारी संस्कृति है न हमारे इतिहास है। अपने सबसे ज़्यादा मंदिर हैं, सबसे विशाल विशाल मंदिर है, लेकिन अपने पास कोई भी उसकी हिस्ट्री नहीं है, कोई इतिहास नहीं है। अपने इतनी स्कूलें हैं पुरानी, इतनी आरा की, ईसरी की, और भी बहुत, दिल्ली में ग्रीन पार्क में इतनी बड़ी स्कूल जगह है, उसमें मानसतम बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कोई कुछ है ही मतलब। तो ये हमारा क्या हो रहा है, मतलब इसकी संस्कृति हम कैसे बचाएँ, कैसे इसको सुरक्षित रखें आने वाले के बताए। नमस्ते। बहुत अच्छी भावना आपने प्रकट की है, और इस विषय में मैंने मार्गदर्शन दे दिया है। ये चिंता बहुत गंभीर है, इसे एक दिन की चर्चा तक सीमित न रख करके लोगों को इस पर पहल करनी चाहिए। चंद्रकला जी पाटनी गुणायतन मंत्री निवेदन। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज से आपने आज स्वाध्याय में बताया कि एक क्षण की कसाय हमारे भव भवान्तर बर्बाद कर देती है। तो हमसे तो जीवन में बहुत कसाएँ होती हैं और पता नहीं कब तक होती रहेगी, तो हम उन कसाएँ से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करें। ये बात सही है कि हमारी क्षण भर की कसाएँ कई जन्मों के लिए हम पर भार बन सकती, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी, पल भर के ज्ञान से अनंत जन्मों के कर्म को हम नष्ट कर सकते हैं। यदि हमने सही तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया और जीवन को उस दिशा में नियोजित कर दिया, तो कर्म वैसे नष्ट होते हैं जैसे तृण को अग्नि नष्ट कर देती। हमारा आपका सबका इतिहास काला है, अतीत के जन्मों में आज हम तीर्थंकरों के भी इतिहास को पलट कर देखेंगे तो उनका इतिहास भी ऐसे ही काला मिलेगा। लेकिन अज्ञान पूर्वक किए गए कर्म ज्ञान मूलक आचरण से एक पल में नष्ट होते हैं। हमें अपनी चेतना की उस शक्ति को पहचानना चाहिए, और जब हम उसे पहचानेंगे तभी सच्चे अर्थों में उसका कुछ लाभ ले सकेंगे। इसलिए मुझसे जो हो गया उसे भूल जाओ, अब क्या करना है उसे याद रखो। कई लोगों के मन में इन बातों को लेकर के बड़ा तनाव आ जाता है। मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी घोर डिप्रेशन में, मुझसे बहुत पाप, मैं बहुत पापी हूँ, मेरा तो उद्धार नहीं होगा, मुझे नरक जाना पड़ेगा। और उस डिप्रेशन के चक्कर में वो तीसरे मंजिल से कूद गई और कमर के नीचे का पूरा हिस्सा उसका ऐसा हो गया। ये क्यों? ये एक प्रकार का मेनिया, इससे बड़ा नुकसान होता है। धर्म विविधता बहुत अच्छा लक्षण है, लेकिन वो मेनिया नहीं होना चाहिए। ज्ञान में ही समाधान है, इस बात को कभी भूलना नहीं।
पाप भीरु बनो, लेकिन ज्ञान के साथ भावनाओं का ये बहाव अगर व्याकुल कर रहा है तो ये भी एक प्रकार का विकल्प है। अतीत की केवल निंदा ग्रह की जा सकती है, पर भविष्य के लिए संकल्प लिया जाता है। हमारे यहाँ दो शब्द है, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। अतीत के पापों का प्रतिक्रमण और भविष्य को संवारने के लिए प्रत्याख्यान। इसलिए मैं एक वाक्य कहता हूं, विकल्प नहीं संकल्प कर। वो संकल्प झुक जाए, काया पलट हो जाए। अंजन चोर जैसा पापी कैसे तरा, चारू दत्त जैसो का उद्धार कैसे हुआ, केवल ज्ञान के बल पर। इसलिए हमेशा ज्ञान मूलक आचरण करने का भाव रखना चाहिए। निवेदन कर रहा हूं मंचासीन पूज्य शुल्लक श्री सुभक सागर जी महाराज के चरणों में अपना प्रश्न रख रहे हैं। परमोपकारी मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारे लिए जीवन में नमोकार मंत्र जैसा महान मंत्र मिला है, तो महाराज जी हम इस मंत्र जाप के माध्यम से अपने संसार के ताप को कैसा नष्ट करें महाराज जी, मार्गदर्शन। नमोकार मंत्र के जाप से संसार के ताप को कैसे नष्ट करें? देखिए, नमोकार महामंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र की महिमा अपार है और हम लोगों को तो जन्म से ही घुट्टी में ऐसे संस्कार मिले हैं जिससे हम नमोकार जपते रहें। हम लोग रोज नमोकार की महिमा को इन पदों के माध्यम से दोहराते हैं। एसो पंच नमो यारो सब पाप पनाशनो मंगलाणम च सव्यसिम पलम होई मंगलम। ये नमस्कार महामंत्र सब पापों का विनाशक है और सर्व मंगलों में प्रथम मंगल। अगर व्यक्ति श्रद्धान सहित इस मंत्र का आराधन करे तो निश्चयतः वह अपने पापों को नष्ट करने में समर्थ हो सकता है। हमारे शास्त्र तो इस मंत्र को पाप नाशक कहते ही हैं, पर मैं आपको दो तीन उदाहरण देना चाहूँगा। हो सकता है आज पूरा समय इसी सवाल में हो जाए, लेकिन चूंकि नमोकार महामंत्र से संबद्ध बात है इसलिए इसे बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। कई लोग हैं जीवन में, अनेक प्रकार के प्रसंग घटते हैं और उन प्रसंगों को में जब आदमी परेशान होता है तो कई तरह के उपाय करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब उनसे नमोकार मंत्र के लिए कहो तो कहते वो तो हम करते ही हैं, उसके अलावा कुछ और बताइए। प्रायः लोगों का नमोकार मंत्र पर विश्वास कम दिखता है, और कोई भी मंत्र तभी फलवान होता है जब उस पर विश्वास हो। नमोकार मंत्र से पाप नष्ट होते हैं, मेरी इस पर अकाट श्रद्धा है और मैंने इसका अनुभव भी किया। सन 2003 की बात है, मैं एक स्थान पर था, एक बहन जी आई, उनके 12-15 ऑपरेशन्स हो चुके थे, मछली की तरह तड़पती थी, बेदना बहुत बहुत परेशान। परिवार के साथ आई, मुझसे कहा महाराज जी इनके लिए कुछ उपाय बताएं। हमारे गुरु ने हमें कोई ऐसा मंत्र तंत्र सिखाया नहीं, पर कोई इस तरह से पीड़ित आए तो दया तो मन में होती है, उनके प्रति संवेदना और सद्भावना तो होती है। मैंने अपने विश्वास के साथ उससे कहा कि तुम एक काम करो, रोज सुबह शुद्ध वस्त्र पहनकर
एक घंटे नमोकार मंत्र लिखो, मौन पूर्वक नमोकार मंत्र लिखो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। और कम से कम 3 महीना करो, देखो तुम्हारे अंदर चमत्कार होगा। सच्ची बात तो ये थी कि मेरे खुद का ऐसा कोई पुराना अनुभव नहीं था, लेकिन मन में एक विश्वास था कि व्यक्ति नमोकार मंत्र अगर त्रियोग शुद्धि पूर्वक आराधा जाए तो कर्म कटेंगे। इसलिए जपने की जगह मैंने उसे लिखने की बात की। ये पहला केस था। और ये सब भी क्या होता है, सामने वाले के पुण्य से हम लोगों के हृदय में वैसे भाव आ जाते हैं। मैंने उनको बोला, उन्होंने उसे अपनाया और लिखना शुरू किया। 6 महीने बाद वो परिवार सहित आई, कहा महाराज चमत्कार हो गया, सारी दवाइयां बंद हो गई। उस बहन ने इस मंच से भी ये बात कही। ये पहला अनुभव था, नमोकार मंत्र से पाप कटने का। और उसके बाद तो मैंने कईयों से कहा और कईयों ने हमारे प्रवचन और शंका समाधानों से प्रेरणा पाकर के प्रयोग किया। ढेर सारे अनुभव हैं, मैं उनका उल्लेख करना नहीं चाहूंगा, लेकिन नमोकार मंत्र के लेखन से पाप कटता है। ये अनुभव किया जा सकता है, आप कीजिए विशुद्धि के साथ, श्रद्धान के साथ, तो सुनिश्चित लाभ मिलेगा। यदि मैं प्रसंग सुनाना चाहूं तो मेरे मानस में एक के बाद एक तैर रहे हैं, पर मैं उन सबको रोक रहा हूं। ऐसे अनेक हैं जिनके जीवन में व्यापक बदलाव घटा। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी आ जाए तो मंत्र जपो सब काम हो जाएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि अशुभ को केवल शुभ से नष्ट किया जा सकता है, और शुभ से नष्ट करने का ब्रह्मास्त्र है नमोकार महामंत्र। इस मंत्र को मंत्राधिराज के नाम से जाना जाता है। दुनिया के अन्य मंत्रों में और नमोकार महामंत्र में बड़ा अंतर। अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है जो अनादि सिद्ध है। आज भी लोगों का अनुभव होगा, सपना आता है, अचानक कोई बुरा सपना हो जाए, नींद खुले तो क्या जपते, नमोकार जपते कुछ और फिर नॉर्मल हो जाते हो। उसका अनुसरण कीजिए। इसकी 4 मौलिक विशेषताएं। पहला, ये एक ऐसा इकलौता मंत्र है जिसमें कोई बीजाक्षर नहीं है। दूसरा, इसमें कोई इष्ट देवता नहीं है, अरण सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु अवस्था है, व्यक्ति नहीं। तीसरा, इसका कोई आनुपूर्वी नहीं है, यानी इसका कोई क्रम नहीं है। नमो अरिहंतानम से नमो लोए सब साहुनम बोल दो, नमो लोए सब साहुनम से नमो अरिहंतानम बोल दो, या बीच के किसी पद से आप बोल दो। और चौथा, यह केवल सांतिक और पौष्टिक कर्म में ही प्रयुक्त होता है, इस मंत्र का किसी पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता, ये कल्याणकारी मंत्र है। और शास्त्रों में कहा गया है, एक बार पूरा नमोकार मंत्र जपने से 500 सागर के पाप नष्ट होते हैं। नमोकार मंत्र के एक पद पढ़ने से, जैसे नमो अरिहंतानम, 50 सागर का कर्म कटता है,
और नमोकार के एक अक्षर मात्र बोलने से अरिहंत का अ, सिद्ध का सी, आचार्य का आ बोलने मात्र से, उपाध्याय का उ और साधु का सा, ये एक एक अक्षर भी बोलो तो सात सागर के कर्म नष्ट होते हैं। इतना बड़ा महामंत्र है, यदि आप इनका अच्छे तरीके से ध्यान चिंतन मनन करें, जाप करेंगे, निश्चित रूप से इससे पाप नसेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।